एलएनटी ये स्टॉक रहेगा आज सुर्खियों में। और जी बिजनेस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एलएनटी के चेयरमैन एम नाइक का बड़ा बयान आया है। उनका ये कहना है कि 26,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन का सिंगल ऑर्डर हिंदुस्तान में मिलने के बाद एक बड़ा ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से वो उम्मीद करें कि वो एक अकेला ऑर्डर 25,000 करोड़ से ज़्यादा का होगा। तो बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद और साथ ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक एम नाइक साहब की तरफ से। 10:10 पर इस इंटरव्यू की आप झलकियाँ भी देख पाएंगे। एक बेहतरीन इंटरव्यू, मस्ट वॉच। IDFC फर्स्ट बैंक GQG पार्टनर्स ने फ्राइडे को 2.6% हिस्सेदारी खरीदी है। करीब 1530 करोड़ का हिस्सा खरीदा है। बड़ी ब्लॉक डील हमने होते हुए देखी थी जिसमें GQG ने 2.6% हिस्सा खरीदा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक ये स्टॉक रहेगा सुर्खियों में। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक साहब ने अपने नियत समय से 4 महीने पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया है और अब दीपक गुप्ता साहब होंगे जो इंटरिम MD और CEO का पदभार संभालेंगे। उदय कोटक अब बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने रहेंगे। IDBI बैंक पर रखे नजर। हिस्सा बिक्री के लिए सरकार ने एसेट वैल्यूअर के लिए बोलियां मंगाई हैं। 9 अक्टूबर तक ये बोलियां सबमिट करनी पड़ेंगी इंटरेस्टेड पार्टीज को। दो पहिया वाहनों के अगस्त महीने के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं दमदार। आयशर मोटर्स ने बुलेट गाड़ियां हैं कि रॉयल इनफील्ड दमदार बेची है 11%। अंदाजा हमारा था 4.5 लाख के आसपास की गाड़ियां, माफ कीजिएगा 76,600 के आसपास की गाड़ियां बेची जाएगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 1,000 गाड़ियां ज़्यादा बेची हैं। वहीं हीरो मोटोकॉर्प के भी आंकड़े बहुत मजबूती के साथ आते दिखे हैं। हमारा अनुमान था 4,55,000 गाड़ियां हीरो मोटो बेचेगा, लेकिन 4,88,000, बहुत ही दमदार आंकड़ा हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से दिया था। ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस, MRPL और OMCs भी फोकस में रहेंगी आपके लिए। बदलाव किए हैं ड्यूटीज़ में। डीजल पर अतिरिक्त ड्यूटी ₹0.5 प्रति लीटर से बढ़ा दी गई है, अब ₹6 लीटर हो गई है। क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है, 7100 पर टन से घटाकर 6700 पर टन किया गया है। पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं है। ETF पर अतिरिक्त ड्यूटी ₹2 पर लीटर से बढ़ाकर अब ₹4 प्रति लीटर कर गई। तो काफ़ी सारे बदलाव हैं और तेल के दाम भी हम देख रहे हैं 7 महीने की ऊंचाई पर हैं। ये सारे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। दो सेक्टर आज रहेंगे फोकस में और सुर्खियों में, पहला स्टील और दूसरा सीमेंट। स्टील कंपनी ने लगातार 5वें हफ्ते अपने दाम बढ़ाए हैं और फिर से स्टील रिबार की कीमतें जो है 1500 से 2500 रुपये प्रति टन बढ़ी हैं, तो लगातार प्राइस हाइक आती दिख रही है। स्टॉक आपने देखा शुक्रवार को भी जबरदस्त एक्शन में थे सारे के सारे स्टील स्टॉक। और दूसरा है सीमेंट कंपनियाँ, इन्होंने भी वीकेंड पर 10 रुपये से लेकर 35 रुपये प्रति बोरी अपने सीमेंट के दाम बढ़ाए, तो स्टील सीमेंट के दाम बढ़ने का सिलसिला। मॉइल अगस्त महीने में शानदार प्रदर्शन रहा है कंपनी का। कुल प्रोडक्शन इनका 53% साल दर साल बढ़कर आया है, बट कुल सेल्स देखिए 1,11,000 टन की बिक्री हुई है और पिछले साल के मुकाबले डबल बिक्री करी है इन्होंने अगस्त में, तो बढ़िया अपडेट मॉइल की तरफ से। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब नॉर्मल बाकी स्टॉक्स की तरह करेगा ये ट्रेड। T2T ट्रेड टू ट्रेड से बाहर आ चुका है, रोलिंग सेटलमेंट में आ चुका है, तो बाकी जो स्टॉक्स जैसे ट्रेड करते हैं इंट्राडे डिलीवरी वैसी होगा। और साथ ही साथ सर्किट फिल्टर भी अब तक 5% का था, अब आज से 20%। शुरुआत की थी स्टॉक ऑफ द डे के साथ और एंड भी स्टॉक ऑफ द डे के साथ ही करेंगे। श्री सीमेंट बड़ा अपडेट आया, प्राइस हाइक की तो हमने बात कर ही ली, बट नोमुरो का अपग्रेड है रिड्यूस से बाय और टारगेट उन्होंने 40% से बढ़ाया है, सीधा 28,700 का ये टारगेट दे रहे हैं। करंट लेवल से भी देखें तो करीब 20-22% की बढ़ोतरी टारगेट में दिख रही है, तो श्री सीमेंट को भी रखें रेडार पर। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।